मैम करतारपुर कॉरिडोर भी खुलने जा रहा है उसको लेकर आपने जिक्र किया, कैसे मानती है 550 से पर्व भी है? देखिए बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ है क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब वो भी पाकिस्तान में रह गया और जहां उन्होंने 18 साल अपने जीवन का आखिरी समय करतारपुर साहब वो भी पाकिस्तान में रह गया और करतारपुर साहब बॉर्डर का इतने नज़दीक है हमारे हिंदुस्तान का बॉर्डर कि हम सामने अपने गुरुद्वारे को देख सकते हैं, कभी कभी वहाँ पे कीर्तन को सुन भी सकते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद वहाँ कभी हम दर्शन ही नहीं कर सकते। तो हमारे पहले गुरु का, गुरु नानक देव जी का, जहाँ से हमारा सिख धर्म शुरू होता है, उनका जन्म स्थान भी उधर है और उनका आखिरी समय का स्थान भी करतारपुर साहब भी पाकिस्तान में रह गया। तो सुल्तानपुर लोधी भी एक लौती वो जगह हिंदुस्तान में है जहाँ 14 साल गुरु साहब ने व्यतीत किया। तो हमारे लिए तो ननकाना साहब की अहमियत है और करतारपुर साहब के लिए तो सुल्तानपुर लोधी की अहमियत तो है, लेकिन आज जो हमारे सिखों के 70 साल से हर गुरुद्वारे के सुबह दोपहर शाम अरदास सरबत के भले के बाद पूरे कायनात के भले के लिए, ये नहीं कि मेरे परिवार या मेरी कौम या सिखों का या हमारे पंजाब का, नहीं पूरे दुनिया के भले की अरदास आज तक चलती रही है। उसी अरदास में ये भी शामिल रहा है और एक सिख की दिल से निकली कि हमें पिछड़े हुए धार्मिक स्थानों से जोड़ा जाए। तो करतारपुर साहब लांगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना के दुनिया भर के सिखों की ये करोड़ों अरदास जो इतने सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए कर करके चले गए, लेकिन वो अरदास आज पूरी हुई है। और मैं ये कह सकती हूँ कि एक तरह से गुरु नानक साहब ने हर एक सिख को एक बार फिर ये प्रतक करके बताया कि 550 साल पहले चाहे मैं इस धरती में मैं प्रकट हुआ, लेकिन आज भी मैं हाजिर नाजिर हूँ। जो 70 साल में नहीं हो सका वो आज हुआ। धन्यवाद। स्पेशल आज ये जो ट्रिप चलाई गई है इसके बारे में क्या कहना जी? ये सरबत का भला ट्रेन जो दिल्ली से चलेगी और शाम को इधर मुड़ के वापस आएगी सुल्तानपुर लोधी में संगतों के लिए। भाई इन्हें थोड़ा नीचे कर लियो, पंजाब की और दिल्ली की संगतों के लिए बहुत और थोड़ा नीचे कर ले यार, मेरे फिगर में भी आएगा ना फिर, अरे थोड़ा नीचे कर ले यार, स्पेस पे आ रहा पूरा। धन्यवाद मैडम। माइक आई लेना क्या धन्यवाद करना चाहते हैं। गुरु नानक देव जो है वो खाली सिख कौम के नहीं, वो पूरे देश के हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, वो पूरी मानवता के लिए आदर्श हैं और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, वही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। इसका कोई सच्चा और गहरा पूरे सात्विक भाव से संदेश किसी ने दुनिया को दिया तो वो गुरु नानक देव ने दिया। उन्होंने जो गुरुओं की परंपरा स्थापित की और देश और दुनिया के लिए जो श्रेष्ठतम जीवन स्थापित किए, उनकी पवित्र स्मृति को देश को दुनिया को हमेशा के लिए अक्षुण रखने के लिए और उसके ऊपर उनके दिखाए गए मार्ग पर सारी दुनिया चले, इसके लिए उनकी स्मृति को तरह तरह से उसको जीवित रखना है, लोगों को उनके जीवन के दर्शन कराने हैं। और आज का दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ट्रेन ऐसे पवित्र स्थान पर जा रही है जहाँ की उनको एनलाइटनमेंट मिला या उनका सीधा भगवान के साथ कनेक्शन हुआ, यहाँ से सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान दिया। मेरी तो ये
कंस्टिट्यूंसी है, इसलिए मुझे और भी खुशी है। मेरी कंस्टिट्यूंसी से ट्रेन जाएगी और सीधे गुरु नानक देव का रोज आशीर्वाद लेकर यहाँ पर दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी में आएगी। बहुत पवित्र अवसर है, मैं हृदय की गहराइयों से देशवासियों को बधाई देता हूँ। सिमरन बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है। पीयूष गोयल जी को जो है हमारे रेल मंत्री हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धीरे से अभिनंदन करना।